What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 27 अप्रैल 2020 मंडे है, सुबह के 8:33 हो रहा है। नया वीक शुरू हो रहा है, पहला ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। इस वीक में 4 ट्रेडिंग सेशंस होंगे, फ्राइडे को छुट्टी आ रही है तो छोटा वीक है ये। फ्राइडे छुट्टी है 1 मई का, तो यहाँ पर आज निफ्टी में ये जो लास्ट वीक का हमने देखा एक हल्का फुल्का करेक्शन, एक साइडवाइज रेंज में ये ट्रेडिंग हो रहा था, तो आज निफ्टी में क्या हो सकता है ये आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन उससे पहले जो फ्राइडे का एनालिसिस था उसका एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये फ्राइडे का पिक्चर है, यानी 24 अप्रैल आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। फ्राइडे का वीडियो यहाँ ऊपर आपको आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 9231 और ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 9340। तो जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स, हम जैसे ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख रहे थे फ्राइडे को, तो एक्सपेक्ट कर रहे थे गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है, तो सेकंड टारगेट के नीचे निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ था। तो शुरू में तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बना, ये जो हमने लेवल्स आइडेंटिफाई किए थे इसी के बीच में ये ट्रेड हो रहा था काफी देर तक, और यहाँ से बाउंस बैक होने के बाद ये फिर से जब टूवर्ड्स फिर से एक बार साउथ की तरफ टर्न हुआ, तो ब्रेक डाउन लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट 9207 ये भी अचीव हुआ, और सेकेंड टारगेट 9178 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ। काफी देर इसी लेवल को ये पेनेट्रेट कर रहा था सेकेंड टारगेट, तो काफी एक्यूरेट लेवल्स ये साबित हुए। और फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 34 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 25,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था फ्राइडे के एनालिसिस का एक रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं, उससे पहले कोरोना वायरस का ये जो अपडेट है, दुनिया भर का जो डेथ का आंकड़ा ये 2 लाख के ऊपर अभी क्रॉस हो चुका है। हालांकि अभी वैक्सीन देखे तो इसका ह्यूमन ट्रायल्स 2 देशों में शुरू हुआ, यूके और यूएस में। यूएस में फर्स्ट ट्रायल था, वो फेल होने की खबर थी, हालांकि उसी दिन यूके में भी ह्यूमन ट्रायल शुरू हुआ था, अभी तक उसका रिजल्ट आना बाकी है, तो काफी देर लगेगा, ट्रायल एंड एरर काफी होता रहेगा। तो जब तक इसका वैक्सीन नहीं आता तब तक इसका खतरा जो है, टेंशन जो है वो बरकरार रहेगा। लॉकडाउन भले ही हो, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद जब धीरे धीरे खुलेगा तब ये कैसे रिएक्ट करेगा ये कहा नहीं जा सकता। तो अभी भी पैनिक टेंशन कोरोना वायरस के वजह से मार्केट में है, और जब तक ये लॉकडाउन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे जो जो इंडस्ट्रीज इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसके वजह से जिनकी नौकरियां है, कंपनी 1 या 2 महीने निकाल सकती है, लेकिन उससे ज्यादा अगर उनके एम्प्लॉयज को बैठे अगर सैलरी देना पड़ेगा बैठे बैठे, तो कंपनीज के लिए काफी दिक्कत हो सकती है। तो देखना होगा लॉकडाउन खत्म होने के बाद कैसे इंडस्ट्रीज शुरू होती है, कौन कौन सी इंडस्ट्री शुरू होती है, गवर्नमेंट कहाँ पर अलाउ करती है कहाँ पर नहीं अलाउ करती है, ये सब सारी चीजें देखना होगा। उसके ऊपर बाजार का भी मूड निर्भर करता है। तो टेक्निकली लेवल्स क्या हो सकते हैं वो देखेंगे, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। उससे पहले नासडैक फ्राइडे को हरे निशान में बंद हुआ था। यूरोपियन मार्केट्स देखे तो वहां पर एक कमजोरी दिखाई दी थी फ्राइडे के दिन, हालांकि हमारे एशियाई बाजारों में उस दिन दिख रही थी। आज जब एशियाई बाजार ओपन हो चुके हैं तो सभी हरे निशान में इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी भी 80 पॉइंट्स की बढ़त इस समय दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर देखे तो अभी 100 पॉइंट्स की बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से एशियाई बाजार अभी फिलहाल पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं हफ्ते के पहले दिन। चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यह वीकली चार्ट निफ्टी इंडेक्स का, अभी इसने 38.2% का जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है ये भी यहाँ पर अचीव किया है, और जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था 2 वीक, अभी यहाँ पर ये इस लेवल के पास पहुंच गया और इसको एग्जैक्ट इसने रेजिस्टेंस फेस किया 9390 को। ये जो प्राइस एक्शन है अगर आप पास्ट में देखें तो ये जो अपसाइड मूव का ये जो अपसाइड मूव का स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं, पहला शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, उसके बाद मिड टर्म और उसके बाद लॉन्ग टर्म, और इन तीनों के ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करा, और तभी इसका प्राइस एक्शन अगर पैटर्न देखे तो ये ऐसे इस तरह से हायर हाई हायर लोज बना के यहाँ पर ट्रेड हो रहा था। ये देखिए ये ऐसे, अभी अगर आप देखें
तो ये जब से डाउन ट्रेंड यहाँ पर ये शुरू हुआ तो इसका जो प्राइस एक्शन है ये लोअर हाइस लोअर लो बनाने में लग गया, और यहाँ से ये जो फॉल आ गया ये स्ट्रेट फॉल आ गया। तो लोअर हाइस लोअर लो का ये जो पैटर्न था ये यहाँ पर एक्सट्रीम 90 डिग्री, ऑलमोस्ट 90 डिग्री यहाँ पर ये सीधा नीचे की तरफ है, लेकिन अभी ये ऊपर जाते वक्त क्या सीधे ऐसे ऊपर जाएगा, अगर आप इसका एंगल देखे तो ऑलमोस्ट 70 to 80 डिग्रीज में, लेकिन अभी ये जो ऊपर जा रहा है ये 45 डिग्रीज, ऑलमोस्ट 45 to 50 डिग्रीज में ये ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाते वक्त भी ये सीधे ऊपर नहीं जाएगा, ये भी नीचे आएगा, फिर से हायर आए हायर लोज बनाते हुए इसे ऊपर जा सकता है। अगर यहाँ पर जब तक टेक्निकली ये फिर से जैसे हमने देखा शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म ये फिर से मूविंग एवरेज ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाते और उसके ऊपर जब तक ये इंडेक्स चला नहीं जाता तब तक टेक्निकली अपसाइड मूव यहाँ से फिर से एक बार कंटिन्यू हो सकता है ये हम कह नहीं सकते। तो ये जो ऊपर की तरफ ये मूव आया है ये रिकवरी है, तो इसको अगर अपसाइड ट्रेंड में कन्वर्ट होना है कंटिन्यू कन्वर्ट होना है तो फिर से एक बार हमें ये स्ट्रक्चर आना बहुत जरूरी है टेक्निकली देखे तो। तो यहाँ पर अभी फिलहाल इन लेवल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप ट्रेडिंग प्लान यहाँ पर बना सकते हैं, नीचे 8,670 के पास सपोर्ट है और ऊपर 9,390 को अगर ब्रेक करता है तो उसके बाद 10,000 तक निफ्टी इंडेक्स यहाँ से बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो ये वीकली चार्ट का सिनेरियो है, डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट में देखें तो अभी ये मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है, ये 50 और ये 20 यानी मिड टर्म और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के बीच में ये ट्रैप हो चुका है। अगर इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डबल टॉप जैसा एक पैटर्न बन रहा है, बन रहा है बना नहीं है सिर्फ बन रहा है। तो ये यहाँ से सेकेंड टॉप और ये अगर नीचे आ जाता है और इसका नेक लाइन अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पर ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, अभी बन सकता है प्रोबेबिलिटी है बना नहीं है, तो ये सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है और ये नेक लाइन को अगर ये ब्रेक करता है कंफर्टेबली और सस्टेन करता है तो यहाँ से और भी निफ्टी इंडेक्स फिर से एक बार टूवर्ड साउथ की तरफ मूव कर सकता है। अगर निफ्टी इंडेक्स यहाँ से 9,390 के ऊपर सस्टेन करता है तो फर्स्ट इमीडिएट ये 50 EMA का रेजिस्टेंस होगा जो कि अराउंड अभी 9,000 ऑलमोस्ट 800 के पास है, तो उसके बाद 9,970 यानी ऑलमोस्ट 10,000 के पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा। तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स हैं एज पर डेली और वीकली चार्ट, तो इनके अकॉर्डिंग आप अपना लॉन्ग या फिर शॉर्ट पोजीशन निफ्टी इंडेक्स में बना सकते हैं। टेक्निकली लेवल्स के अकॉर्डिंग ये पोजीशन बनाए क्योंकि जैसे जैसे ये जो मार्केट में टेंशन चल रहा है कोई भी बड़ी न्यूज आती है तो मार्केट सीधा उसका जबरदस्त रिएक्शन दिखा रहा है। तो ये था डेली और वीकली चार्ट का सीनरियो। चलते 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। इंट्राडे अगर 60 मिनट का चार्ट देखे तो यहाँ पर भी अभी ये मूविंग एवरेज के बीच में ट्रैप हो चुका है, तो काफी मुश्किल होगा आज के लिए ट्रेड करना। अगर निफ्टी इंडेक्स ये जो 50 EMA है इसके नीचे देखे तो एक लेवल है जहां पर इसने स्विंग लो बनाया था पास्ट में, ये यहाँ पर तो 9,103 के नीचे अगर देखे तो S1 का भी पिवट पॉइंट का ये लेवल है। तो काफी सारे मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स है, यहाँ से हो सकता है बाउंस बैक हो अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो कंप्लीटली इन लेवल्स को ब्रेक होने दीजिए तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9,049, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा हमारा 9,010, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और जैसे कि अभी ग्लोबल मार्केट एशियाई बाजार देख रहे हैं अपसाइड काफी सभी ग्रीन निशान में है, तो हो सकता है यहाँ से भी एक हमें पॉजिटिव शुरुआत निफ्टी इंडेक्स में इस वीक की देखने को मिले। तो ये जो फर्स्ट यहाँ पर इसने इस लेवल के पास यानी जहां पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया था बाद में सपोर्ट टेस्ट किया था इस लेवल को अगर फिर से एक बार ये ब्रेक करता है यानी 9,224 के ऊपर अगर यह सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और हमारा तभी फर्स्ट टारगेट होगा 9,252, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 9,280, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर एक्सट्रीम गैप अप ओपन होता है हमारे सेकेंड टारगेट के भी ऊपर ओपन होता है तो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, मार्केट का फर्स्ट डे है ये,
तो हो सकता है एक साइडवेज पैटर्न भी हमें मार्केट में देखने को मिले। तो ये था आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। थैंक